हे गाइज, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइज, आज है 9 अक्टूबर और आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। 12:30 बज रहे हैं अभी। जस्ट मोना को स्कूल के लिए तैयार करके भेजी हूँ। बहुत ज्यादा घाई रहती है अगर उनकी स्कूल की तैयारी रहेंगी ना, सोनू और मोनू की, तो तभी मैं ब्लॉग नहीं बना रही हूँ अभी आजकल, क्योंकि उनको लेट हो जाता है और टीचर बाहर खड़ा करी एक दो टाइम इसके लिए। और आज हमारे यहाँ एरिया का पानी जाने वाला है, मतलब कि हमारे एरिया में ऐसा है कि 24 घंटा पानी आता है। तो 2-3 दिन पहले ही बोल के रखते कि ये डेट पे पानी जाने वाला है और इतने टाइम तक जाने वाला है। तो कोई बोल रहा है 3 दिन पानी जाने वाला है, तो कोई बोल रहा है एक दिन में आ जाएगा। और सबसे पहली बात बोले थे आज सुबह 10 बजे पानी जाने वाला था हमारे यहाँ का, लेकिन अभी तक नहीं गया। अभी तो 1 बजने के लिए आ गया है, अभी तक पानी नहीं गया। और मुझे आज पता चला कि पानी जाने वाला था करके, और मैंने पानी भर के नहीं रखी पीने का। तो और मेरे पास पहली बात, हमारे यहाँ पे पानी 24 घंटे आता है ना, तो मेरे पास भरने के लिए कुछ नहीं है। सही बोलेंगे तो ना कोई मटका है, ना कोई हंडा है, और ना कोई टाकी है, कुछ भी नहीं है भरने के लिए। तो फिर ये मुझे आइडिया दिए, तू क्या कर बोले, घर में जो बड़े बड़े टोप है ना, भगोने वगैरह, तो उसमें पानी भर के रख दे। अभी क्या करेंगे एंड टाइम पे जब पानी जा रहा है, बाद में फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है पानी जाने के बाद में, क्यों तो कभी कभी 2-2, 3-3 दिन नहीं आता। और अगर कभी पानी गया भी बाय चांस, तो हमारे यहाँ पे ना टैंकर भर के भेजते एरिया में, बाहर से पानी आता है। तो वो उधर मैं किधर जाऊँ भरने के लिए, मैं नहीं जाती पानी भरने के लिए बाहर, और कभी टाइम पे ये रहते भी नहीं। तो इसके लिए मैं अभी भर के लेती हूँ, और सब जो मेरे पास में डब्बे है ये वो सब भर के लेती हूँ। अभी जाने दो, एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं पानी भरने का, क्यों तो अगर पानी आ रहा होगा तो मैं पानी भर के लेती हूँ, है ना। तो चलिए गाइज, मैं अभी फटाफट सबसे पहले जो जिसने मुझे पानी भरना है ना वो धोके लेके आप लोगों से मिलती हूँ। सबसे मेन बात है ना, 2-3 दिन से हमारे यहाँ पे इतनी ज्यादा गर्मी हो रही ना, देखो कितना पसीना आया मुझे, पूछो मत। बहुत ज्यादा गर्मी है, इतनी धूप है, एकदम कड़क ऐसा लग रहा कि मई का महीना चल रहा है, इतनी ज्यादा धूप है। 3 दिन हो गया आज और गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, पता नहीं क्यों। तो और पानी आ रहा ही नहीं है, पानी नहीं आ रहा, मतलब पानी चालू है भी गया नहीं है, लेकिन मैं सब लोग भर रहे रहेंगे पानी, तो ऊपर पानी चलता नहीं है माले के ऊपर, तो पानी नहीं आ रहा यहाँ पे। ये देखो, पानी देखो, मेरा माला है ना, तो माले की वजह से ऊपर पानी नहीं चल रहा। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, सोनू और मैं दोनों जन मिलके हमारे सामने के घर में से पानी लेते हैं, कि तो उनका नीचे नल चालू रहेगा ना, उनका भी काम हो गया। मैं पूछ के आया अभी जस्ट कि पानी देंगे क्या, तो बोले ले लो, बोले भर के। अभी चलो मैं मिलती हूँ आपको सब पानी भर के। तो देखिए गाइज, मैंने ना इतना पानी भर के रखी हूँ ऐसे टोप में, ये देखो एकदम अच्छे से धो के भर के रखी, ये डब्बे में भी भरी हूँ कैसा एडजस्ट करना पड़ता है। और मेरे पास में ना ये कैन था, इसमें भरी हूँ और इसमें भरी हूँ, इतना बस हो जाएगा हमको अगर 1-2 दिन नहीं आएगा तो। मैंने और सोनू ने मिलके ना फटाफट उतना पानी भरे, और चलो अच्छा है कि मिला। नीचे के रूम जो रहते ना, नीचे के घर, उसमें फास्ट पानी आता है, ऊपर पानी नहीं चढ़ता। और गर्मी, इतना पानी भर, इतना पसीना पसीना हो गई मैं तो, बाप रे बाप। और अभी मोना के रिसेस का भी टाइम हो गया, तो मोना की आज, मोना ने मुझे स्कूल जाने से जाते टाइम में बोली थी मम्मा मुझे पास्ता खाना है, तो फिर अभी पास्ता बनाना पड़ेगा, और फिर उसके लिए बना रही थी। तो अब ये लोग भी जिद करेंगे, तो सबके लिए पास्ता बनाती हूँ। तो पास्ता बनाने के लिए देखो मैंने ये सारी चीज़ें ली, एकदम सादा बनाती हूँ मैं बच्चों के हिसाब से। और तड़के में ना राई जीरा और कड़ी पत्ता डालती हूँ, उसका टेस्ट मस्त आता है। और टमाटर, हरा धनिया, प्याज। यहाँ पे पानी बॉईल कर रही हूँ पास्ता बॉईल करने के लिए, इसमें थोड़ा सा नमक डाली, नमक डाल के अभी पास्ता डाल रही हूँ ये बॉईल होने के लिए। लेकिन सबसे पहले मैं इधर प्याज को फ्राई करने रख रही हूँ। ऑयल डाल रही हूँ, वैसे तो ना रिसेस में ना ये सारी चीजें बिल्कुल मना किए हुआ है, पास्ता नहीं देना है, लेकिन आज मोना जिद कर रही थी इसके लिए मैं अभी दे रही हूँ। तो ऑयल गरम करने के लिए रखी, गैस ऑन करी, और यहाँ पे 2 घूंट चाय थी थोड़ी बची हुई, उसको गरम करके पी रही। खाना था सिर्फ मोना को, लेकिन अभी दूसरे बच्चे भी जिद कर रहे हैं मम्मा हमको भी चाहिए, इसके लिए अभी सबके लिए बना रही हूँ। ये तड़का लगा रही हूँ सबसे पहला,
सबसे पहले मुझे राई डालना था, लेकिन एक हाथ में फोन है ना तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया कैसा करूँ करके। अभी अच्छे से लाल हो गया जीरा और राई। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज। प्याज लाल होने तक पास्ता बॉईल करके लेती हूँ। पानी अच्छे से गर्म हो गया, मतलब बॉईल हो गया। अब इसमें डाल रही हूँ पास्ता। अभी हमारा पास्ता भी बॉईल होएगा और यहाँ मैं मसाला रेडी करके लेती हूँ सबसे पहला, जल्दी जल्दी। तो अभी 2 बज रहे हैं, 2:30 बजने तक मुझे टिफिन रेडी करना है। घाई घाई में ना मैंने थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डाल दे लगता, लेकिन अभी इसको निकाल नहीं सकते, लेकिन जब मैं टिफिन में दूंगी या फिर जब खाएंगे ना तो थोड़ा सा ऑयल साइड में करके खा लेंगे। पानी तो मैंने देखो सब काम छोड़ के भर के तो रखी। इससे पहले भी एक बार ऐसे हुआ था, बोले थे कि पानी जाने वाला, तो हमने क्या किए थे, बहुत सारा पानी भर के रख दिए थे, लेकिन पानी नहीं गया था। अभी भी वैसे ही हुआ है, अभी पता नहीं जाएगा कि नहीं, लेकिन हमने अपने सेफ्टी के लिए भर के रखे हैं, अगर गया कभी सही तो प्रॉब्लम ना हो जाए इसलिए। सोनू है टिफिन ले जाने के लिए रेडी होके खड़ी हुई है और मेरा भी पास्ता। अस्सलाम वालेकुम। अभी पास्ता बन रहा है। तुरे नहाई बाल वैसे क्यों बांधी बेटा, फिर बाद में बोलती मेरे सर में दुखरा करके। चाय पीने तक देखो प्याज फ्राई हो गई और पास्ता भी बॉईल हो गया। आज सुबह में मैंने खाने में शिमला मिर्च और रोटी बनाई थी, तो मोना को बिल्कुल शिमला मिर्च पसंद नहीं है, मतलब वो मुंह में आती है ना, इसके लिए बिल्कुल पसंद नहीं आता उसको। अगर खाएंगी भी ग्रेवी तो शिमला मिर्च पूरी निकाल के फेंक देती है, तो वो देख के वो बोली मम्मा मुझे बिल्कुल देना नहीं रिसेस में टिफिन में, मुझे कुछ और बना के देना। मैं उसको बोली मैं अभी तू साथ में ही टिफिन लेके जा जब बना हुआ है सब, तो बोलती नहीं मम्मा मुझे ये नहीं चाहिए, तुम दूसरा कुछ दो, या मैगी दो या फिर पास्ता दो। मैगी तो हमने कल ही बनाए थे दोपहर में, तो इसके लिए मैं सोची आज मैं इसको पास्ता देती हूँ। और वो भी बोली मम्मा पास्ता तो बहुत दिन हो गया नहीं खाए तो, और लेके आया हुआ है, तो मैं बोली चलो बना ही लेते। तो इसके लिए अभी मैं बना रही हूँ। और प्याज फ्राई हो गई तो उसमें मैंने टमाटर और हरा धनिया डाली हूँ और उसमें थोड़ा सा नमक डाल दी ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए इसके लिए। फिर थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ क्यों तो ना वारिस के होठ पे थोड़ा मार लगा ना, वारिस को थोड़ा भी तीखा खाने को नहीं हो रहा है। हमारे गली में ना बाइक खड़ी थी, वारिस उस पर चढ़ के बैठा और उतरते टाइम में गिर गया, तो उसके होठ पे दांत लग गया उसका, तो बहुत ज़्यादा होठ पे सूजन और खून वगैरह निकल रहा था, लेकिन अभी ठीक है, लेकिन खाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। इसके लिए मैं थोड़ा तीखा कम ही बना रही हूँ। और अभी ये पास्ता जो बॉईल करके रखी थी मैंने, इसका पानी मैं निथार के ले रही हूँ। और देखो अच्छे से मैंने एकदम मस्त सॉफ्ट सॉफ्ट एकदम बॉईल करके रखी हूँ, ज़्यादा नहीं। हाँ तो फिर मैं क्या बोल रही थी वारिस के बारे में, तो वारिस क्या किया, बच्चों के साथ में खेलता ना, तो बाइक पे नहीं चढ़ना चाहिए, लेकिन चढ़ के ऊपर से उसका पैर ना थोड़ा स्लिप हो गया तो नीचे गिर गया। वो उतरते टाइम में नहीं, थोड़ा कुछ डांस वांस कर रहा था शायद बाइक पे, तो उसके लिप्स पे बहुत ज़्यादा मार लग गया था, बहुत ब्लड भी निकला, बहुत सारा खून भी निकला, लेकिन अभी ठीक है। उसके होठ पे सूजन है थोड़ी सी, उसके चक्कर में ना मैं व्लॉग नहीं बनाई, और व्लॉग एडिट करने के करने के लिए भी नहीं मिला मुझे व्लॉग एडिटिंग, इसलिए ये आप लोगों को एक दिन लेट मिलेगा व्लॉग। ये 9 अक्टूबर का है, लेकिन मैं इसको आपके पास 11 अक्टूबर को अपलोड करूँगी, तो आप लोग ने व्लॉग देखना, लाइक और शेयर ज़रूर कर लेना। तो देखो यहाँ पर टमाटर एकदम अच्छे से फ्राई हो गया। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ पास्ता मसाला, पास्ता मसाले के 2 पैक मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और देखो अभी ऑयल बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे तो, लेकिन क्या करूँगी जब टिफ़िन दूंगी ना तो ऑयल को साइड में करूँगी, कि तो देखो ये नॉन स्टिक पैन है तो जो ऑयल है ना वो छोड़ता है, मतलब ऑयल साइड में ही रहेगा,
इसके लिए मैं भी बिन फिक्र थोड़ा सा बना रही हूँ। और इस तरीके से मैं टमाटर को भी मैश कर रही हूँ कि तो सब टेस्ट जो पास्ते में है ना, तो टमाटर का ये खट्टा खट्टा एकदम मस्त वाला। और बच्चे टमाटर अगर अखे रहेंगे ना तो निकाल के फेंक देते, और ऐसे मैश करेंगे ना तो नहीं फेंकते, और उसमें पास्ते में वो एकदम अच्छे से मिक्स भी हो जाते है ना। तो टमाटर अच्छे से फ्राई हो गए, मतलब मसाला पूरा टोटली रेडी हो गया। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ पास्ता जो मैंने बॉईल करके रखी थी ना वो, और इसमें अभी ऐड करती हूँ। फोन एक हाथ में पकड़ के ना सारी चीज़ें हैंडल करने को नहीं होता है, और कभी कभार सोनू को बोलेंगे ना तो सोनू ज़्यादा फ़ोन हिलाती है तो ना वीडियो बराबर से नहीं बन पाती, इसके लिए मैं मेरा हैंडल करती हूँ। और अभी मैंने डाल दी पास्ता, पास्ता डाल के अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। बाप रे, हमारे यहाँ पे तो पानी जाने वाला है करके सारे लोग इतने परेशान हो गए। सबने अपने अपने घरों में पानी भर के रखे, अगर पानी नहीं गया ना तो सबका पचका होने वाला है सही में भी। क्यों तो ना, इससे पहले एक बार ऐसे ही हुआ था, बहुत सारे लोग परेशान होते फिर पानी भरते और फिर बाद में पानी नहीं जाता है, लेकिन जब बोलेंगे ना तो तब पानी नहीं जाता, बिना बोले गया ना पानी, तो उस टाइम में टेंशन होती कि बोलते तो हम पानी भर के रखते कि नहीं, सब प्रॉब्लम है। तो मैंने पास्ते को देखो एकदम अच्छे से मिक्स करी, थोड़ी सी मैं इसमें हल्दी पाउडर ऐड करूँगी क्यों तो ना इसका कलर थोड़ा लाइट लग रहा है इसके लिए। और यहाँ पर देखो अभी मैं नमक ऐड कर रही हूँ प्रॉपर चेक करके कि नमक कितना है, क्यों तो थोड़ा सा मुझे नमक कम लगा इसलिए मैंने इसमें अभी नमक ऐड करी हूँ, और इसे एकदम अच्छे से मिक्स करूँगी। मेरे पास में थोड़ा पैन छोटा है, रेसिपी के लिए ना मुझे अच्छे थोड़े बर्तन लेके आने हैं, लेकिन हो रहा ही नहीं है बाहर जाना, अब इंशाल्लाह जाएंगे। तो देखो मैंने इसमें थोड़ा हल्दी पाउडर ऐड करी हूँ, और हल्दी पाउडर ऐड करके इसको थोड़ा अच्छे से मिक्स करी तो इसका कलर भी अच्छा लग रहा है अभी। और पास्ता तो देखो पूरा बन के तैयार हुआ, ऐसे मिक्स कर करके ना नीचे ऊपर करेंगे ना एकदम अच्छे से मिक्स करेंगे तो जो ऑयल में फ्राई हो जाता हो ना, क्रिस्पी क्रिस्पी लगता है पास्ता, और भी ज़्यादा टेस्ट बढ़ता है इसका पास्ते का। फास्ट फ्लेम पे मैं क्या करती हूँ, फ्राई करती हूँ पास्ते को एकदम, तो मस्त टेस्टी लगता है। और हो गया पास्ता रेडी, अभी मैं क्या कर रही हूँ इसको निकाल रही हूँ एक प्लेट में, और ठंडा करके इसको टिफिन में पैक करके सबसे पहले मोना को बहुत देती ज्यादा हूँ। गर्मी है, भूख लगी, अभी नाश्ता कर रही हूँ। और ये बोले थे गांव में भी बहुत ज्यादा धूप है और यहाँ पे भी धूप है, और चलो अभी मैं खा रही हूँ पास्ता। पास्ता मुझे वैसे पसंद नहीं आता, लेकिन कभी कभार तो खाना पड़ता है, जो घर में बना हुआ है वो है ना। अभी पानी आ रहा हूँ पर 4:30 बजे, सोचो अगर सुबह में गया रहे तो मैं किधर से पानी भरती, इसके लिए मैंने नीचे से भर दी। पानी जाने वाला है करके मैंने क्या की, फटाफट पूरे कपड़े वॉशिंग मशीन में लगाए, अभी तक पानी नहीं गया, 4:30 बज रहे, पानी तो गया नहीं, लेकिन अचानक कभी भी जा सकता, इसके लिए मैंने मशीन लगा के ना सब कपड़े धो के ली, फिर कभी भी जाओ कभी भी कुछ भी करो, और पानी एकदम फुल भर के ली हूँ, और टाँकी भी पूरी फुल भर के ली। अब जो भी पानी आ रहा है नल में उसमें घर की साफ सफाई करके लिए, बर्तन भी धोए इतने सारे किए, और कपड़े सूखने लगा रही हूँ, और 4:30 बज रहे, मतलब 4:45 हो गए अभी, तो वॉकिंग के लिए भी जाना है, और आयत और वारिस को भी सुलाई मैंने, जल्दी जल्दी कपड़े सुखाती हूँ। तो अभी पानी गया भी और नहीं भी गया तो कोई टेंशन नहीं, क्यों तो जितना पानी भरना था मैंने भर ली, और जो भी पानी वाला काम था सब क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हो गया था मेरा वॉकिंग का टाइम, तो मैं निकल गई वॉक करने के लिए फटाफट से कपड़े सुखा के, और वहाँ से आई तो व्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाई, तो व्लॉग को मैं अभी एंड कर रही हूँ। इतना ही व्लॉग बना था उस दिन,
और ये व्लॉग मैं एडिट कर रही हूँ 10 अक्टूबर को, और मिलेंगे आपको 11 अक्टूबर को। तो कैसा व्लॉग लगा आज का, ज़रूर से एक छोटा सा कमेंट करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।